एकमात्र मुस्लिम सिंगर जिसने इस्लाम की खातिर छोड़ी फिल्मी दुनिया, आज भी है करोड़ों फैंस। एक आम आदमी से स्टार बनते हुए तो आज तक आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि चाहे किसी छोटे शहर से आए हो, लेकिन अपनी कलाकारी और अपने टैलेंट के बलबूते अपना इंडस्ट्री में नाम किया और आज उसी नाम की बदौलत वो एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्होंने इस वाक्य का बिल्कुल उल्टा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम सिंगर और अभिनेता जुनैद जमशेद की। जुनैद जमशेद डिस्को मुल्ला के नाम से चर्चित पॉप गायक से इस्लामी उपदेशक बने थे। 1964 में जन्मे जुनैद जमशेद ने साल 2016 तक की जिंदगी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया था। जुनैद जमशेद के करियर की शुरुआत 1987 में हुई थी। उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान और तुम मिल गए जैसे मशहूर हो चुके गाने गाए थे। साल 2004 में ही जुनैद जमशेद ने इस्लाम के खातिर म्यूजिक और फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया था। जुनैद जमशेद की मौत का कारण एक विमान हादसा बना था। बता दें, ये जुनैद जमशेद की मौत के बाद पूरी इंडस्ट्री में शौक की लहर चल पड़ी थी। इस हादसे का शिकार जुनैद जमशेद अकेले ही नहीं बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी भी साथ थी। जुनैद जमशेद की मौत पर ऋषि कपूर ने ट्विटर पर लिखा था, पीआईए विमान हादसे के पीड़ितों के परिवार को संवेदना। हमने जुनैद जमशेद के रूप में एक कलाकार को खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।